हाँ जी पुत्र, लेट अस प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चन ऑन टेंजेंट नॉर्मल ऑन एलिप्स। चलो शुरू कर दें। कहते नॉर्मल टू दिस एलिप्स, तो स्टैंडर्ड एलिप्स थानू देता उन्हें, ठीक है। स्टैंडर्ड एलिप्स है, मतलब हालांकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म च देते हैं। ऑब्वियसली दे कैन गिवन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन द ऑप्शंस, ठीक है। तो आप ट्राई कर दें। नॉर्मल किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया एंड पी पॉइंट थे, इट मीट्स द मेजर एक्स जेड जी। तो एट एनी पॉइंट पी नॉर्मल इज ड्रॉन, तो इतने जी ते मिलता है एक्स एक्सिस से। दैन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी जी। नाउ दैट्स प्रीटी सिंपल। पी कोई भी पॉइंट है पुत्र, ये उपर मूव करेगा। जिदा ही पी पॉइंट अगे पिछे मूव करेगा, नॉर्मल भी गांह पिछा जाएगा, है ना। तो जी पॉइंट भी वेरी करेगा, तो जदे आ सैगमेंट वेरी करेगी, जो मिड पॉइंट है ये भी मूव करेगा, ठीक है। सो अपन ये मिड पॉइंट मतलब एदा लोकस चाहिए। तो लेट अस बिगिन दिस प्री स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाँ जी शुरू कितों करिए। लेट अस टेक दिस पॉइंट पी टू बी, हाँ जी, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। और थीटा पॉइंट तो नॉर्मल की क्वेश्चन किनी होंगी पुत्र, ए एक्स सीकेंड थीटा या ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़े को इस लाइन की क्वेश्चन आ गई। ए लाइन कितने एक्स एक्स में मिलती है, जी पॉइंट, पुट वाई जीरो, फिर वाई जीरो आ जीरो हो गया। तो देर फोर ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटे, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस इधर ले जाओ तो ए नीचे ले जाओ, इंटू कॉस थीटा बाय ए। सो जी दे कोऑर्डिनेट्स आ गए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा कॉमा जीरो। फाइन, हुण सीधा एक स्टेप रह गया कि लोकस सीधा मिड पॉइंट था। सो लेट दिस मिड पॉइंट बी एच कॉमा के। तो लेट्स अप्लाई द कंडीशन, एच इज इक्वल टू, हाँ जी, दिस प्लस दिस बाय टू। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ जी, ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए कॉस थीटा, ठीक है। समझे गल, दिस प्लस दिस बाय टू, टू इधर ले गया ना, चो कॉस कॉमन कर ले, ठीक है। सो ये आ गया थोड़े को टू एच इज इक्वल टू इधर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इधर ए ले जाओ, आ दी मिड पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट, हाँ जी, कितना होगा, बी साइन थीटा प्लस जीरो बाय टू। सो बी साइन थीटा प्लस जीरो बाय टू इज के। तो गल खत्म है ना दोनों चो, हुण आपां की करना लोकस वास्ते, थीटा नू एलिमिनेट कर दीए ते एचो कॉस कर लो ते साइन ते स्क्वायरिंग एडिंग कर लो, ठीक है। आई होप समझ आई, आ वाली टर्म नीचे ले जाओ इत्थे, तो अब बी नू नीचे ले जा के स्क्वायरिंग एडिंग कर लो। तो कितना आ गया, फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। आ थोड़े को लोकस आ गया, ठीक है पुत्र। तो नेक्स्ट कहता है कि पी इज अ पॉइंट ऑन दिस एलिप्स। पी इस एलिप्स से कोई पॉइंट है एंड क्यू इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। तो दिस द ऑक्सिलरी सर्कल विद मेजर एक्सिस एज डायमीटर। तो थ्योरी दसिया सी पी ते क्यू मतलब आ दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम। सो पी हो गया ए कॉस थीटा, ठीक है, सी कॉस मान लो, सी मतलब कॉस थीटा, तो एस मान लो साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा कमा बी साइन थीटा, और क्यू कितना होगा पुत्र, ए कॉस थीटा कमा ए साइन थीटा, राइट। तो हम की कहना ए हो गया, पी होगा क्यू होगा, इफ द टेंजेंट एट पी मीट्स द मेजर एक्सिस एट पॉइंट टी। ये कहता टेंजेंट इतने जो ड्रॉ किया दैट मीट्स अ मेजर एक्स दैट टी, दैन शो दैट क्यू टी इज, क्यू टी टच इज द ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब क्यू इतों टी तो अगर क्यू नो ज्वाइन किया जाए, अपना शो करना है कि ए ऑक्सिलरी सर्कल नू टच कर रहा है। तो बेसिकली अगर इसी क्वेश्चन को तुसी घुमा के सोचो तो की कह रहा है कि पी पॉइंट ते टेंजेंट एलिप्स नू ते क्यू पॉइंट ते टेंजेंट ऑक्सिलरी सर्कल नू, ये दोनों टेंजेंट कितने मिलते हैं,
दे मीट ऑन द मेजर एक्सिस। अगर आप ये शो कर दिए तो भी गलत सेम ही है। तो आप की करांगे पी पॉइंट ते एलिप्स नो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दें। हाँ जी कि नहीं है हो एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू वन। ठीक है तो ए थोड़े को एस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। एंड सिमिलरली क्यू पॉइंट ते ऑक्सिलरी सर्कल ते अपन टेंजेंट की इक्वेशन कर लेने और असी शो कर दें कि दोनों टेंजेंट जिहड़े है इत्थे टी पॉइंट ते मिलते हैं और दैट पॉइंट इज नथिंग बट लाइंग ऑन द वट मेजर एक्सिस और एस केस एक्स एक्सिस से। सो वी सिंपली नीड टू शो दैट इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एक्स एक्सिस। तो हाँ जी आ टेंजेंट कितने एक्स को मीट करता है पुट वाई जीरो। सो ए मिलेगा हाँ जी एक्स कॉस थीटा बाय ए इज वन एक्स आ गया ए बाय कॉस थीटा। तो ए जिथे ए टेंजेंट एक्स को मिलेगा वो पॉइंट आ गया ए बाय कॉस थीटा कॉमा जीरो। सो हम ऑक्सिलरी सर्कल से आ जाओ। ऑक्सिलरी सर्कल ए है ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल से पॉइंट कड़ा है बेटे ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा और इस पॉइंट से हाँ जी टेंजेंट की इक्वेशन आ वाले दी एस टेंजेंट दी। तो दैट इज अगेन टी इक्वल टू जीरो कर लो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन। सो हाँ जी कि आ गया एक्स ए कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस हाँ जी ए साइन थीटा इंटू वाई कॉन्स्टेंट कुछ नहीं कहना इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए कट दो। सो वी हैव एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। एस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई क्यू पॉइंट पर जो ऑक्सिलरी सर्कल में। हूँ ए टेंजेंट एक्स को कितने मिलता है हाँ जी पुट वाई जीरो। हाँ जी कि पॉइंट आ गया एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आ गया ए बाय कॉस थीटा। सो दिस इज ऑलसो मीटिंग एट द सेम पॉइंट। सो गल खत्म हो गई मतलब टी पॉइंट तो जिथे एदा टेंजेंट मिलता सी जाके एक्स नू उत्थों अगर इनू ज्वाइन करांगे दैट इज ऑलसो द टेंजेंट ए प्रूव हो गया। ठीक है मतलब ये सिंपली हों पुत्र टेंजेंट की इक्वेशन नॉर्मल की याद रखो जो कही जा रहा है मतलब सियाने बच्चे मन के कहना मनी जाओ आंसर आ जाएगा। चलो आ करते हैं। कहता है कि पी एंड क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एन एलिप्स एंड ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। नो प्रॉब्लम। वो कहता एक एलिप्स है एक ओदा ऑक्सिलरी सर्कल है पी ते क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के ते एलिप्स ते ते सर्कल ते। तो पी इत्थे आ क्यू है एंड यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पी एंड क्यू राइट। तो पी इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा एंड क्यू इज ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। फिर कहते प्रूव दैट द नॉर्मल टू द एलिप्स एट पी। कहते पी ते एलिप्स नू नॉर्मल ड्रॉ करो एंड नॉर्मल टू द एक्सिलरी सर्कल एट क्यू। ठीक है सर्कल नू भी नॉर्मल ड्रॉ करो बोथ नॉर्मल इंटरसेक्ट ऑन दिस सर्कल। लेट मी टेल यू वो की कहना चाहता है। वो कहता कि पी पॉइंट ते नॉर्मल ड्रॉ किया तुसी एलिप्स ते ठीक है एंड क्यू पॉइंट ते नॉर्मल ड्रॉ किया। नाउ आ पॉइंट क्यू आ पुत्र सर्कल नू किसे पॉइंट ते नॉर्मल की हुंदा है लाइन ज्वाइनिंग दस दैट पॉइंट एंड द सेंटर यू नो। तो इतों ते ओरिजिन नू ज्वाइन करी आ क्यू पॉइंट ते नॉर्मल है। सो असी शो करना है कि थीटा चेंज करता रहे मतलब क्योंकि आ दोनों पॉइंट कोरसपोंडिंग है तो ये अगे पिछे मूव करते रहन ये दोनों नॉर्मल आ वह भी मूव करेंगे बट वी नीड टू शो कि दोनों नॉर्मल ये कितने इंटरसेक्ट करते हैं एस सर्कल से। मतलब आप करिए असी इन दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कड़ लें और शो कर दें कि एस सर्कल से लाइक करता है। ठीक है वेरी सिंपल। तो पहला काम की करिए एस नॉर्मल की इक्वेशन कड़ते हैं नॉर्मल टू इलिप्स पी पॉइंट है थीटा पॉइंट है नॉर्मल टू इलिप्स कि पुत्र ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आज एस लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ नॉर्मल टू सर्कल कटते हैं ठीक है ये तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट चो पास कर रही है एक जीरो जीरो चो तो एक ए चो। ठीक है तो पहला स्लोप कट लो वाई टू माइनस वाई वन ए साइन थीटा माइनस जीरो अपॉन ठीक है एक्स टू माइनस एक्स वन ए कॉस थीटा माइनस जीरो। सो कटेगा सो टेन थीटा स्लोप आ गई एस लाइन की। सो स्लोप आ गई पॉइंट की है जीरो जीरो जो पास कर रहे तो यदि इक्वेशन की आ जाएगी बेटे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू
tan theta times या sin by cos x minus 0 ए नॉर्मल टू सर्कल द इक्वेशन आ गई जी कि नहीं है y इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इन टू एक्स दैट इज सेकेंड इक्वेशन। सो हम आपका की शो करना है कि इन्हों दोनों नॉर्मल का हाँ जी वट पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन वो कर लीए। लेट अस गैट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा आ पॉइंट के कोऑर्डिनेट लभ लें कितने ठीक है तो वह किमें करा इन दोनों आप सैमल्टेनियसली सॉल्व कर लिए। सो लैट जस्ट सिंपली प्लग दिस वाई देर ठीक है सो कि आ गया ए एक्स बाय कॉस थीटा ठीक है माइनस बी वट इज वाई ठीक है साइन बाय कॉस थीटा इंटू एक्स ए वाई की वैल्यू और नीचे साइन आ पे इंटू साइन थीटा और इतने इफेक्टिवली कटिया जाऊगा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। लैट्स सिंपलीफाई एक्स कॉमन ठीक है तो कॉस भी कॉमन आ गया सो एक्स बाय कॉस थीटा कॉमन हाँ जी की आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस गोज सो एक्स आ गया पुत्र ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ थीटा देयरफॉर आ जो पॉइंट आ दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वह एक्स कोऑर्डिनेट कि आ गया ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा एंड जब तुम आ वाला एक्स चक के इतने पुट करो ठीक है इतने आ तो कॉस कट के थोड़े को वाई आ गया ए प्लस बी इंटू साइन थीटा दैट इज इट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो हूँ आप शो करना है कि ए पॉइंट ए सर्कल से लाई करता है ठीक है विच क्लीयरली सैटिस्फाइड दिस इतने पुट करो ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वेयर इतने सिंपलीफाई करो यू गैट द आंसर ठीक है सो दैट वॉज ऑल्सो प्री स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम राइट ओके अगे कहता है कि टेंजेंट If the tangent at any point P, to this ellipse meets the directrix at Q, okay, इतने directrix है दी x equal to a by e, ते इतने कितने अपन tangent draw किया किसी variable point P ते, ठीक है, इतने मान लो Q ते मिलता है फिर कहता है प्रूव दैट पी क्यू सबस्टेंड्स राइट एंगल एट कोरस्पोंडिंग फोकस ठीक है मैं थोड़ा याद करा दिया कि सेम प्रॉपर्टी ट्रू सी पैराबोला च भी कि अगर किसी पॉइंट पी ते अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और डायरेक्ट्रिक्स नू क्यू ते मिलता है तो जो आ वाला सैगमेंट सी पी क्यू दैट ऑलवेज सबस्टेंडेड 90 डिग्री एट द फोकस ये तुसी उत्थे भी प्रूव किया सी एंड सिमिलर प्रॉपर्टी इलिप्स भी ट्रू है तो यह प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो कि कहता जी कोई भी पॉइंट पी है उत्तर टेंजेंट ड्रॉ करो आ टेंजेंट एस डायरेक्ट्रिक्स नू मान लो क्यू ते मिलता है तो इतने कितने लच्चे फोकस है यदा एस ए ई कॉमा जीरो कोरस्पोंडिंग फोकस मतलब आ वाला डायरेक्ट्रिक्स है तो ये लागे वाला फोकस ठीक है आ फोकस नहीं लेना आ तो आप शो करना कि आ लाइन आपस च की है पुत्र परपेंडिकुलर वेरी सिंपल तो यह मतलब अगर मेरे को क्यू पॉइंट आ जाए पी तो आप मान लीए थीटा मतलब ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा और क्यू पॉइंट भी असं कढ़ लाँगे किदा कढ़ा जो कहता करी जाओ की कह रहा है कि पी पॉइंट तो टेंजेंट तो आ टेंजेंट की इक्वेशन सानू पता है ना और ए लाइन तो आ लाइन की इक्वेशन भी पता है एक्स इक्वल टू ए वाई इन्हों सैमल्टेनियसली सॉल्व करके मेरे को क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो मेरे को क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए बेटे सो आई विल गैट द स्लोप ऑफ दिस लाइन I will get the slope of that line और उन्हों की मल्टीप्लीकेशन मैं माइनस वन शो कर दाँगा वेरी सिंपल तो हम आप करिए टेंजेंट की इक्वेशन क्ढ़ीए कितने पी पॉइंट से थीटा पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन की है पुत्र एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू वन और ए लाइन डायरेक्ट्रिक्स मिलती है क्यू से तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभ लीए तो आ लाइन की इक्वेशन पता लग गया और डायरेक्टर जी क्वेश्चन की है बेटे एक्स इक्वल टू ए बाई यू नो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो यदा एक्स कोऑर्डिनेट तो कि आ गया ए बाई ई ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ए बाई ई तो वाई कि हाँ जी सॉल्व कर लो एक्स की वैल्यू ए बाई इतने पुट करो राइट देयर तो ए बाई ई बाय ए कॉस थीटा वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू वन हाँ जी आ ए कटिया गया आई नीड वाई राइट वन आ टर्म इधर ले जाओ आ वाली सारी तो वाई
साइन थीटा बाय बी इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा बाय ई, ठीक है? सो दैट इज वन, या एलसीएम ले लो ई माइनस कॉस थीटा बाय ई। सो नाउ सिंपली गेट द वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम दीज, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया ई माइनस सी, स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा, राइट? सी कॉस थीटा मान लो, एस साइन थीटा मान लो। सो बेसिकली ई माइनस सी बाय ई इंटू आ भी इधर होगा और आ साइन नीचे होगा, आ थोड़े को वाई कोऑर्डिनेट आ गया ई माइनस सी, ठीक है? इट्स लाइक सिंपल कैलकुलेशन नाउ, क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है। इंटू बी बाय एस, ठीक है? एक क्यू दे कोऑर्डिनेट आ गया और पी दे तो पता है कि नहीं, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा और एस दे आप पता है, ठीक है? आई सपोज इतना समझ आ गया पुत्र। हुण जो कहता है वो करी जो, आप शो करना है कि आ दोनों लाइन आपस परपेंडिकुलर है, तो यदि स्लोप कर लो पहले एम वन क्यू एस लाइन दी, हाँ जी, वाई टू माइनस वाई वन, तो दैट इज ई माइनस सी बाई ई बी बाई एस माइनस जीरो, राइट? आवड़ा डिवाइड बाय, हाँ जी, एक्स टू माइनस एक्स वन, सो डिवाइड बाय ए बाई ई माइनस ए, क्लियर? तो सिंपलीफाई करिए, इधरों की कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ जाऊगा, ई एलसीएम आ जाऊगा, ठीक है? सो थोड़े को आ गया ई माइनस सी बाय ई और बी बाय एस, एथो ए वी कॉमन आ गया, ठीक है? एंड और वन माइनस ई स्क्वायर, और नीचे एलसीएम ई है ऊपर ले आओ, ठीक है? तो कटिंग पिटिंग करो कि उनका आ कटेगा थोड़े को। सो दिस थिंग इज ई माइनस सी बी बाई ए एस वन माइनस ई स्क्वायर, एंड वन माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कितना होता है पुत्र, वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड वन माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो दिस इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो और सिंपलीफाई करो, आप बी भी कट गया, ए भी उठ गया, ठीक है? तो इतने एम वन आ गया थोड़े को ए टाइम्स ई माइनस सी, ठीक है, डिवाइड बाय बी टाइम्स एस, दिस इज एम वन, एस लाइन की स्लोप। नाउ लेट अस गेट एम टू, द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है? एम टू कितना है पुत्र, हाँ जी, वाई टू माइनस वाई वन बी इंटू एस माइनस जीरो डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ए सी माइनस ए ई, सो ए सी माइनस ए ई, ए कॉमन कितना आ जाएगा सी माइनस ई, दैट इज ए टाइम्स सी माइनस ई, दिस इज एम टू। तो लेट इस गेट दिस प्रोडक्ट एम वन इंटू एम टू, हाँ जी, देखो आ बी एस कटिया गया, ए भी कटिया गया, इतने ई माइनस सी, इतने सी माइनस ई, हाँ जी, ये कट के कितना आ गया माइनस वन, सो देयर फोर द स्लोप्स द प्रोडक्ट इज माइनस वन, देयर फोर द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हेंस द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द इलिप्स एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज सबस्टेंड 90 डिग्री एट द करस्पॉन्डिंग फोकस, ठीक है? सो एज अ प्रॉपर्टी यू कैन रिमेंबर, ओके। अगे की कहता है जी, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स, दिस शुड बी बी देयर, ठीक है? टेंजेंट ते नॉर्मल, ओके, लेट अस सी की कहता है, एलिप्स हो गया ते कोई भी पॉइंट ले लिया पी, ठीक है? ते कहिंदा जी टेंजेंट ड्रॉ कीता इत्थे ते पी पॉइंट ते ड्रॉ कीता नॉर्मल, ठीक है? तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी मीट्स द माइनर एक्सिस एट टी एंड जी, तो टेंजेंट मिलता है माइनर एक्सिस नू, वाई एक्सिस द माइनर एक्सिस एट द पॉइंट टी, एंड नॉर्मल मिलता है वाई एक्सिस नू जी ते, ठीक है? तो नाउ यू नो कि इन केस वी नीड अपन टी ते जी दे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बिकॉज वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फिर प्रूफ की करना है, कहना प्रूफ दैट द सेगमेंट टी जी सबस्टेंड 90 डिग्री एट फोकाई, तो ठीक है ना, मतलब आप शो करना कि आ पॉइंट ते आ फोकस है ते, तो वी नीड टू शो दैट आ दोनों लाइन आपस की है पुत्र परपेंडिकुलर, दिस इज द फोकस विच इज ए कॉमा जीरो, ठीक है? इधर वाला भी ले सकते हैं सिमेट्रिकली। तो लेट अस गेट, आई मीन जो अगर मैंने एस लाइन ते एस लाइन का प्रोडक्ट माइनस वन शो करना है स्लोप का, तो मैं पहला टी दे कोऑर्डिनेट कर ला,
ठीक है, टी दे कोऑर्डिनेट के डाल के टेंजेंट दी क्वेश्चन आ जाएगी। टेंजेंट दी क्वेश्चन के लिए एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू वन, है ना। आ लाइन दी कितने वाई नो मिलता है पुट एक्स जीरो, सो दैट इज बी बाय साइन थीटा। तो टी दे कोऑर्डिनेट आ गया पुत्र ए 0, B/sin थीटा। सिमिलरली अब पी पॉइंट तो नॉर्मल है ना, पी कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, पी तो नॉर्मल दी क्वेश्चन कितनी है पुत्र एक्स ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, ए कितने वाई नो मिलता है पुट एक्स जीरो, तो यदा वाई कोऑर्डिनेट आ गया, हाँ जी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय बी। सो देयरफॉर जी इज 0 - a² - b² / हाँ जी साइन थीटा इंटू बी। ठीक है, आई होप एनी गल समझ आ गई। तो वेरी सिंपल, टेंजेंट कटिया, नॉर्मल कटिया, वाई एक्सिस ना इंटरसेक्शन लभ ली। हूँ अपन पूछता है कि आ दोनों लाइना परपेंडिकुलर, वी नीड टू अपन आ लाइन की स्लोप आ लाइन की स्लोप कैलकुलेट करके प्रोडक्ट माइनस वन शो करना है। ठीक है, सो लेट इज गेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन एम वन। एम वन की है टी ते एस दी स्लोप आ एस फोकस, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन बी बाय एस माइनस जीरो डिवाइड बाय 0 - ae। ठीक है, 0 - ae दैट इज माइनस बी बाय ए एस, ए थोड़े को एदी स्लोप आ गई। हूँ आप एदी करते हैं एस ते जी दी एम टू। हाँ जी, अच्छा इतने फिल कर दो वैल्यू, ई स्क्वेयर इज 1 - b² / a² एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है पुत्र, दैट वैल्यू इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0, -a² e² एस बाय बी। ठीक है, आई होप समझ गई गल, मैं यदि वैल्यू फिल करती हूँ, यदि स्लोप कर लें दैट इज 0 y2 - y1 0 - आप प्लस आ जाना, दैट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर एस बाय बी डिवाइड बाय x2 - x1 ae - 0 दैट इज ae - 0। सो आ यदि स्लोप आ गई, लेट अस सी ए ई कटिया गया, तो एम टू आ गया थोड़े को पुत्र ए ई एस बाय बी, दिस इज एम टू। तो क्लियरली यू कैन सी कि एम वन इन टू एम टू नैगेटिव रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट जोड़ा आ गया दैट इज इक्वल टू माइनस वन, यदा मतलब इतने 90 डिग्री सबटेंड करूंगा फोकाइज से। ठीक है, सो यहाँ ऑब्जेक्टिव बना के दे सकते हैं कि फोकाइज से किन्ना डिग्री सबटेंड करता है, या यू नो इदा एनी थिंग दे कैन मेक। तो आई होप कहानी समझ आई है नहीं। ठीक है, लेट अस टू मोर प्रॉब्लम्स। ओके, और कहना कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन एनी टेंजेंट। अच्छा, आप पुत्र लिप्स है, हुण लेट अस सी के इनू अप्रोच किदा करिए। कहते लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, बैक यू पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट। हुण देखो टेंजेंट है थोड़े को, ठीक है, किसी पॉइंट पर, तो आप पॉइंट लिप से मूव करूंगा पुत्र, तो टेंजेंट भी हाँ जी की होगा मूव करूंगा, है ना। तो जब टेंजेंट आ वाला मूव करूंगा तो सेंटर तो ये परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉप किया ये भी मूव करूंगा, राइट। जो हम मान लो आ टेंजेंट है तो इतों आ परपेंडिकुलर है, तो आ फुट आ परपेंडिकुलर इतने आ गया, मतलब टेंजेंट ब्लू वाला मूव करता कहता मतलब इदा गाँह आ गया इतने, ठीक है, इतने आ गया, तो ओरिजन तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी इतने आ जाएगा। तो एज दिस टेंजेंट चेंजिज ऑन द एलिप्स द परपेंडिकुलर भी चेंज करेगा, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वह भी हाँ जी वेरी करेगा। तो उन्हें क्वेश्चन की पूछे है कि फाइंड द लोकस ऑफ वट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एज पॉइंट के लोकस न आइडेंटिफाई करना है। ना हम ए एक चीज़ सोच के देखो, जे तो आप आ रही थेटा वाली क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉब्लम इज रिलेटिड टू द स्लोप्स। तो जे आप एक्स कॉस थेटा बाय ए करके लैने तो फिर क्वेश्चन थोड़ा जहा कॉम्प्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि फिर आप परपेंडिकुलर लाइन कढ़नी वो है ना, तो उन्होंने सॉल्व करना इट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, बट क्योंकि प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द स्लोप, तो आप एवें करते हैं एम स्लोप का टेंजेंट लैने। सो लैट इज बिगिन विद कि आ रही टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ए, सो लैट द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट
ठीक है, एज टेंजेंट इक्वेशन लेट इट बी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, वेयर एम इज वेरिएबल। तो एम नो चेंज करांगे तो साडा आ टेंजेंट ए उपर मूव करी जाएगा, तो एम इतने साडा वेरिएबल हो गया। ठीक है, हुण इहदे थोड़े को एस लाइन की क्वेश्चन आ गई पहली। दूजा हुण आ लाइन की है पुत्र ये परपेंडिकुलर, अगर एदी स्लोप एम आ तो एदी किन्नी हो जाएगी माइनस वन बाय एम, राइट। तो एदी स्लोप माइनस वन बाय एम है और ये लाइन के चो पास कर दी है ओरिजन चो, तो एदी क्वेश्चन कर लेंगे अपना कि वाई माइनस जीरो इक्वल टू स्लोप टाइम्स एक्स माइनस जीरो, और दूजी क्वेश्चन आ गई, राइट। और अपन की चाहिए इन्होंने दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन का लोकस, तो सिंपली की करिए आ जो पॉइंट है मतलब अगर डायरैक्टली करना हो तो मैं तो एम एलीमिनेट करना पुत्र, बिकॉज एम एलीमिनेट कर दिए साढ़े को इस पॉइंट का लोकस आ जाएगा। अगर आप थोड़ा जहा एक स्टेप अगे होकर समझना, लेट दिस पॉइंट बी एच कॉमा के, ठीक है। हुण आ पॉइंट एच के दोनों सैटिस्फाई करेगा एनओ भी, है ना, पहली लाइन पर भी, इतने भी एच के आ जाएगा, एक्स वाली जगह इतने भी आ जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली असं की करते होंगे कि एलीमिनेट एलीमिनेट द वेरिएबल, तो इतों आ वेरिएबल एम या एम चक के आप एलीमिनेट कर देंगे, और एच के जो थोड़े को रिलेशन आएगा फिर बाद एच न एक्स रखा के वाई रखा, तो आप ना करते हुए सिंपली की करिए बिकॉज एक्स वाई जरा दोनों सैटिस्फाई कर रहा है, तो एनओ भी तो सिंपली एलीमिनेट कर दिए एम, इतों एम चको। हाँ जी एम कि आ गया, एम आ गया पुत्र माइनस एक्स बाय वाई, इतों चक के इतने तो इतने रख दौ, तो स्क्वेयरिंग कर दौड़े को आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू एम इज माइनस एक्स बाय वाई, इतने माइनस एक्स बाय वाई इंटू एक्स आ वाला, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ हाँ जी ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो क्लियरली आ वाली टर्म इधर ले आओ, प्लस करके स्क्वेयरिंग कर दो, यू हैव द आंसर, ठीक है। तो अगे तो कोई यहोजा प्रॉब्लम हो गया ना कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लेट्स से सेंटर हो गया या फ्रॉम एनी अदर पॉइंट या फ्रॉम फोकस, तो यू कैन टेक टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप एज वेल, ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सौखा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एक जी एना आप कर ही लिया ना, आई होप तुसी आ नोट कर लिया, एक प्रॉपर्टी नोट कर लो, एक प्रॉपर्टी होंगी है मैं जो लिखवा रहा लिख लो, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम एनी फोकाई, मतलब जो एस क्वेश्चन है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, एच की कह रहा है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाइज, तो कहना लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी फोकाई टू एनी टेंजेंट टू द एलिप्स इज इट्स ऑग्जिलरी सर्कल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी दो पार्ट है, पहला पार्ट है जो पहला पार्ट समझते हो, पहला पार्ट की कहता है कि कोई भी तुसी टेंजेंट लिया आ थोड़े फोकस है दोनों, ठीक है, किसी भी फोकस तो तुसी किसी वेरिएबल टेंजेंट ते परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दैट, थोनों कन्फ्यूजन ना हो, एनो इरेज कर दी, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आप किसी वेरिएबल टेंजेंट ते फोकस तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करांगे आ, तो आ वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक किदे ते लाई करूगा, जो तुम सॉल्व करोगे दैट विल लाई ऑन दी ऑगजिलरी सर्कल, ठीक है। सिमिलरली एज फोकस तो भी लोगे दैट विल लाई ऑन दी ऑगजिलरी सर्कल, मतलब अगर मैं ड्रॉ करा ऑगजिलरी सर्कल की होंगे सी पुत्र, सर्कल ड्रॉन ऑन मेजर एक्सिस डायमीटर, यहोजी कुछ शक्ल बनोगी, थोड़े फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इदा हमेशा ये ते लाए करोगे, तो इनू एज अ प्रॉपर्टी तुसी याद रख सकते हो कि फोकस तो किसी भी टेंजेंट ते तुसी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर कित होर नहीं लाया करेगा, दैट विल लाए ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, एंड दैट इज एस केस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। एंड यू कैन वेरी ईजीली ड्राइव जिदा आपता ही है आ तुसी टेंजेंट ले लिया, ठीक है, हुण आ लाइन परपेंडिकुलर बट फर्क की है एज ए लाइन के चो पास कर दी है फोकस चो, तो यदि इक्वेशन जी आऊगी वो आ जाऊगी पुत्र थोड़े को वाई माइनस वाई वन
ठीक है, वाई वन कितना है, जीरो इज इक्वल टू स्लोप यदि माइनस वन बाय एम टाइम्स एक्स माइनस ए, ठीक है। और भावे तो सिया वाला फोकस लोगे आंसर थोड़ा सेम आएगा। हम की करिए, एच एम एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। यू अगेन एन इधर ले जाके वाई माइनस एम एक्स, इधर भी वाई एक्स की टर्म इधर ले आके स्क्वेयरिंग कर दियो, थोड़ी इलिमिनेशन होके लोकस थोड़े को आ जाएगा, ठीक है। सो यू याद रखना है, ये सीधा भी पूछा जा सकता है कि किसी भी टेंजेंट ते एलिप्स के उपर, ठीक है, तुसी फोकस तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, कितने मिलेगा, दैट विल लाई ऑन दी ऑक्सिलरी सर्कल, इज दैट क्लियर। और सेकेंड पार्ट यदा की है, ये तुसी स्ट्रेट लाइन दे च एनसीईआरटी च क्वेश्चन भी हैगा है यही वाला, और ये रिजल्ट भी लिख लो। एंड दी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दी परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दी फोकाइज, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाइज ऑन एनी टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। एक कदम भी लिया, मतलब अगर आ वाला फोकस है, आ कोई भी टेंजेंट है, आ तुसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लो, आ वाला लेट दिस डिस्टेंस बी पी वन, और दूजे फोकस तो ऐसे ही टेंजेंट ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लो, आर डिस्टेंस हो गया पी टू, या तुसी इन्हों मल्टीप्लाई करोगे दैट विल ऑलवेज कम आउट टू बी बी स्क्वेयर। सो ये भी यू कैन ईजिली डू दैट, ऑलरेडी दस्या कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इन तुसी सीधा सीधा कर भी सकते हो कि टेंजेंट लिया, पॉइंट है फोकस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसिस कडो मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, तो दोनों प्रॉपर्टीज तुसी याद रख सकते हो, ठीक है।